आप हड़िया छोड़ करके जो भी आप काम करना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, बकरी पालना चाहते हैं, मुर्गी पालना चाहते हैं, होटल चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, सिलाई दुकान चलाना चाहते हैं, क्या चलाना चाहते हैं आप सरकार को बताइए, वो काम सरकार आपके लिए करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधा है। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एका स्टेडियम में आयोजित सर्वजन पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा आरोप लगाया है। दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार को अस्थित करने का प्रयास कर रही हैं। कहा कि डबल इंजन की सरकार में राज्य का विनाश हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के समय भारत सरकार की एजेंसियां विकास की गति को रोकने में जुटी हैं। अलग अलग मामलों की जांच कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ऐसे मामलों की जांच की जा रही है जिसका संबंध पूर्व की सरकार से है। पूर्व की रघुवर दास सरकार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चोरी डकैती आप करते हैं तो सजा हम क्यों भुगते। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा यह सरकार गरीबों की है, योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंदों को देने का काम किया जा रहा है। झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, किसान मजदूर की बड़ी तादाद है, लोग कठिनाइयों से जीवन गुजारते हैं। वर्ष 2019 से पूर्व जब राज्य में डबल इंजन की सरकार थी उस समय 5 साल में लोगों का हाल जानने का प्रयास किया, लोगों की परेशानियां बयां नहीं की जा सकती थी। पूर्व की सरकार के समय कितने लोग भूख से मर गए, आज ऐसी स्थिति नहीं है। पूर्व की सरकार ने राज्य में तांडव किया, लोगों को रौंदने का काम किया। ऐसी योजना लाई गई जिसका फायदा सिर्फ अमीर लोगों और पूंजीपति घरानों को मिलता था। हमने विपक्षी दल के रूप में सड़क से सदन तक इसका विरोध किया। वर्ष 2019 के बाद बदलाव आया लेकिन कोरोना के कारण 2 साल विकास कार्य पूरी तरह बाधित हुआ। हमारी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया, सरकार का प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और कई जो बुनियादी लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। सर्वजन का लाभ दिया जा चुका है। हर महीने 5 तारीख को पेंशन का वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए। तालियां जरूर हो आपकी तरफ से, जोरदार गणमान्य अतिथिगण, तालियां आपकी तरफ से जरूर हो 1,000 रुपए की पेंशन योजना के तहत। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। इसके अलावा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने भी समारोह में शिरकत की। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया। नमस्कार।